सेक्टर 18 के रहने वाले व्यापारी जगदीश पाल के साथ मारपीट करने वाला आरोपी जितेंद्र उर्फ जीता ने वाईएसओ पानीपत पर अपना जुर्म कबूल किया है। जीते का कहना है कि उसने खुंदक में जगदीश को पीटा था और जीते का ये भी कहना है कि जगदीश ने मेरी नौकरी छुड़वा कर पार्टनरशिप का झांसा दिया था, बाद में नौकरी भी चली गई और पार्टनरशिप भी नहीं की। कल जगदीश पाल सामने आया था और उसने कहा था कि उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। जीता जो बबैल का रहने वाला उसका भी नाम आया था, कुछ लेन देन का यह मामला बताया जा रहा था और उसमें विधायक महिपाल का भी नाम जो है बताया जा रहा था कि विधायक महिपाल के रिश्तेदार हैं जिन्होंने उनके साथ मारपीट किया है। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ जीते से, जीता कबूल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका दोष कितना है वो खुद बताएगा कि इस सारे मामले की सच्चाई क्या है। आपका नाम इस सारे प्रकरण में आ रहा है कि आपने उसको मारा पीटा, पहले तो ये बताया कि सारी कहानी क्या हुई थी। मैं इनके पास जगदीश और ये मुकेश अशोक ये पार्टनर पांच पार्टनर थे, मैं इनके पास जॉब करता था, 20,000 रुपये महीना मेरी सैलरी थी। 28 तारीख को जगदीश का फ़ोन आया मेरे पास, अब मेरे को मिलना तेरे से, तो मिलने के लिए मेरे गांव में टावर है एयरटेल का, वो टावर पे गए हम, वहाँ पर हमने ड्रिंक ड्रांक करी। ड्रिंक करके जगदीश बोला तू नौकरी छोड़ दे और मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जा और मैं तेरे को गाड़ी दिलवा दूंगा, पैसे कर ले तू 5,00,000 रुपये। हमारी यस होगी, यस होके जगदीश ने लालच दिया मेरे को, हरिद्वार चलते हैं घूमने के लिए, घराना है, मैं जगदीश धर्मेंद्र हम पांच जने हरिद्वार चले गए घूमने के लिए जगदीश की गाड़ी में। और जगदीश ने कहा, मैंने घर भी नहीं जाने दिया, मैंने कहा मेरे पास खर्चा खुर्चा नहीं है, बोला कोई दिक्कत नहीं मैं खर्चा दूंगा सारा और मैं करूँगा खर्चा और तू चल मेरे साथ, मेरे को हरिद्वार ले के गया। हरिद्वार वहाँ पर रुके हम, नहाए गंगा गुंगा हम स्नान किया, नहाए कमरे पे गए, कमरे पे फिर उसने हमने ड्रिंक ड्रांक की, ड्रिंक करके और फिर उसने जगदीश ने बोला अगर तू मेरे साथ आ जा और हम इकट्ठा काम करेंगे और ARL को खराब, उसका नाम खराब करना हमने, तू मेरे साथ आ जा नौकरी छोड़ दे। मैंने नौकरी उनको बोल दिया, उनका फ़ोन आया मेरे पास, ऐसे ऐसे आ जा हमारे पास, मैंने मना कर दिया, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं तो जगदीश के साथ काम करूँगा, मैंने उनको मना करके और हम ऐसे आ गए। आने के बाद जगदीश से मैंने बोला मगा मेरे पैसे पेमेंट तैयार है और चलो गड्डी ले आते हैं नहीं और हिस्सा करेंगे। जगदीश ने मना कर दिया, बोले मैं तेरे साथ हिस्सा नहीं करूँगा, मेरी वहाँ से नौकरी भी छटवा दी, यहाँ आके 2-3 दिन मेरे को लारा दिया, इधर उधर घुमाया घुमा के और मेरे को मना कर दिया, अब मैं तेरे साथ हिस्सा नहीं करूँगा। और दूसरों के साथ हिस्सा कर लिया उसने, काम स्टार्ट कर लिया। इस खून तक में मैं जगदीश से मिला, मैं कर लो मेरे साथ हिस्सा, मेरे पेमेंट तैयार है और मैंने ऐसे ऐसे ब्याज पर पैसे उठाए हैं और कर लो। तो मैंने ड्रिंक ड्रांक कर रखी थी, ड्रिंक करके मैं सेक्टर से गुजर रहा था तो अचानक जगदीश आ गया घर के सामने। जगदीश आने के बाद मैंने जगदीश से बोला मगा क्या है ये, मेरे को गाड़ी दे के बोले। मैंने वहाँ पर प्लाट में बराबर में चिनाई लग रही थी, वहाँ से सरिया उठा के उसको जगदीश को 3-4 सरिया मार दिए और किसी का कोई मैटर नहीं, किसी का कोई लेने देने नहीं, मैंने मारे हैं। आप कबूल रहे हैं कि मैंने मारा पीटा, खुंदक में मारा पीटा? खुंदक में मारा पीटा है और मैं कबूल करता हूँ, किसी का कोई नाम नहीं, कोई डांडा साहब का नाम नहीं किसी का। हाँ उसने ना वहाँ पर हरिद्वार गए थे, वहाँ पर डांडा साहब का नाम बदनाम करने के लिए ये बोला था, अगर डांडा की ना मैं जब भी मेरे को फंसेगा ना मैं उससे अपनी बेइज्जती कर रखी उसने मेरी हेल्प नहीं कर रखी तो मैं उसका बदला लूँगा। ये अपनी 2 लड़कियों के बलात्कार के केस में अंदर गया था, 76 लगी थी इसको जगदीश को और जेल भी काट का था। उस मामले में ये डांडा साहब के पास गया था कि मेरी हेल्प करो, डांडा साहब ने मना कर दिया, मैं गलत काम के मैं आपका साथ नहीं दूंगा, इस करके ये डांडा साहब से चिढ़ता है। बस ये है नहीं, मेरा डांडा साहब का या प्रदीप का किसी का कोई लेन देन नहीं है, ना प्रदीप है या गुआंड की बात है, मैं जानता हूँ डांडा साहब का, ना मेरे पास नंबर ना कोई कॉन्टैक्ट, शायद डांडा साहब भी मेरे को नहीं जानता हुआ, मैं मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है इनसे, लेना देना कुछ नहीं है। पुलिस के पास गए अभी सारा प्रकरण बताया आपने? अभी तक नहीं, अभी तक गया नहीं, मैं पुलिस के पास जाऊँगा, अभी पेश होऊंगा। चैनल पे किस लिए आप अपनी सफाई किस लिए देने आ रहे हैं आप? मैं अपनी सफाई इसलिए देने आ रहा हूँ क्योंकि बेकार मेरे साथ मैं काम मैंने किया, मारा मैंने जगदीश को, कभी डांडा साहब को, कभी ये थे मुकेश सूरजवानी, इनको को कम मकई दास रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। अशोक का कोई नाम नहीं है, किसी का कोई वो नहीं है, मैंने अपने हाथ से किया है, अपने आप मारा, मैंने खुंदक में मारा उसको। तो आप कबूल करोगे कि मैंने मारा? हाँ मैं कबूल कर रहा हूँ, अब मैंने मारा है और खुंदक में मारा है क्योंकि इसने मेरी बहुत इंसल्ट करी है, मेरी वहाँ से नौकरी भी छटवा दी, यहाँ पर काम भी नहीं करने दिया, तो इसने मेरे को झांसे में दिया है, अगर मैं तेरे को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वहाँ से नौकरी छटवा कर, यहाँ मैंने पैसे ब्याज पे पैसे भी उठाए और फिर उसके बाद मेरी पार्टनरशिप भी नहीं करी, पार्टनरशिप दूसरे के साथ कर ली इसने। किस चीज़ से मारा था फिर? वहाँ कोई रात को छुड़वाने आया था उस टाइम? उस टाइम छुड़वाने उसके लड़के आए थे ऊपर से, इस मैं मार मूर के भाग गया था,
बराबर में प्लाट था, चिनाई लग रही है वहाँ पर, सरिया का टुकड़ा था उससे मारा मैंने। तो आपको पता था रैकी का रखी देखा इस टाइम वो आता है जगदीश या अचानक? नहीं, मैं ड्रिंक कर रहा था, ड्रिंक करके वैसे सेक्टर में घूम रहा था, सेक्टर में ड्रिंक करके टूल टैक्सी आ रहा था, तो अचानक मुलाकात होगी जगदीश से उसके गेट के सामने। बाकी जो अन्यों के 5-6 के नाम आ रहे हैं वो जगदीश वैसे ही ले रहे हैं कि उनका भी है कुछ ना कुछ? नहीं नहीं, किसी का कोई वो नहीं है, वैसे नाम ले रहे हैं जगदीश, किसी का कोई लेने देने नहीं इस मामले से। मैं कबूल कर रहा हूँ मेरा है, मैंने मार रखा है और खुंदक में मार रखा है। तो ये मुख्य आरोपी जीता थे जो बता रहे थे कि क्यों मारपीट की गई, खुंदक में मारा गया है उसको, जो बता रहे हैं कि पहले पार्टनरशिप का उनको लालच दिया गया, पार्टनरशिप के बाद उसकी नौकरी भी छुड़वा दी, लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप नहीं की और ड्रिंक में आकर पीकर और खुंदक में आकर जगदीश को उसने पीटा है, जैसा कि भी बता रहे थे लोहे की राड से उसे मारा गया। तो फिलहाल अभी ये थोड़ी देर बाद पुलिस को सरेंडर करने जा रहे हैं और पुलिस को सारी सच्चाई बताएंगे। और वॉइस ऑफ पानीपत पर इन्होंने ये बात जरूर कबूल की है कि उन्होंने खुद अकेले ने उसको पीटा है, इसमें किसी और का कसूर नहीं है। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रति पंचाल के साथ।